वेलकम टू माय चैनल टेली ऑनलाइन क्लास। आज की वीडियो में मैं आपको ई इनवॉइसिंग से रिलेटेड कुछ अपडेट्स देने वाली हूँ। एंड आई थिंक अगर बहुत सारे लोग अवेयर नहीं हैं ई इनवॉइसिंग के लिए, एंड बहुत सारे लोग जिनको जिनके लिए ई इनवॉइसिंग अब एप्लीकेबल हो गया है, अगर उन लोगों ने अभी तक ई इनवॉइसिंग नहीं स्टार्ट किया है, नहीं ई इनवॉइसिंग के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो वो करवा लें क्योंकि बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको बहुत सारी पेनल्टीज भी लग सकती हैं अगर आप ई इनवॉइसिंग नहीं करते हैं तो यहाँ पर मैंने कुछ की पॉइंट्स लिए हैं कि अगर आप ई इनवॉइस नहीं जनरेट करते हैं तो क्या क्या पेनल्टीज, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो व्हाट हैपन्स इफ यू डू नॉट कम्प्लाई विद ई इनवॉइसिंग एट द अर्लीएस्ट। जैसा कि आपको पता है कि 1 अप्रैल 2021 से उन लोगों के लिए, उन बिजनेस पर्सन के लिए जिनका टर्नओवर मोर देन 50 करोड़ रुपीज है, ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो चुका है। इससे पहले 500 करोड़ एंड 100 करोड़ के लिए पहले से ही एप्लीकेबल हुआ था, बट दिस 1 अप्रैल 2021 उन लोगों के लिए भी एप्लीकेबल हो गया है जिनका टर्नओवर मोर देन 50 करोड़ रुपीज है। तो वट हैपन्स इफ यू डू नॉट कम्प्लाई विद ई इनवॉइसिंग नॉर्म्स। Non-compliance refers to two situations under e-invoicing. The first is that e-invoice does not get issued to the buyer. जो buyer होगा, जो खरीदने वाला है, उसके लिए issue नहीं है. The second is that eligible invoices do not get reported to the IRP, invoice registration portal. जब आप e-invoice generate करेंगे तो आपको हर एक invoice का IRN number generate करना होगा, जो कि आप तभी कर पाएंगे जब आप e-invoice में registered होंगे. So, if a business does not comply with e-invoice, अब हम यहाँ पे जानेंगे कि अगर e-invoice नहीं आप जनरेट करते, अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है भी तो भी आप e-invoicing नहीं करते हो तो क्या हो सकता है। फर्स्ट इज हैवी पेनल्टीज गेट अट्रैक्टेड अंडर द लॉ। इसमें आपको पेनल्टीज भी लग सकती हैं अगर आप नहीं करते हैं e-invoice। फॉर नॉन इश्यूएंस नॉन जनरेशन ऑफ एन e-invoice अ पेनल्टी ऑफ अप टू 10,000 पर इनवॉइस। आप ये देख सकते हैं कि पर इनवॉइस आपको इतनी पेनल्टी चार्ज होगी और 100% ऑफ द टैक्स ड्यू विच एवर इज हायर कुड गेट इम्पोज। तो आप पे इतनी पेनल्टी लग जाएगी इनवॉइस पे अगर आप किसी भी कोई भी इनवॉइस के लिए इनवॉइस नहीं जनरेट करते हैं तो। ऑन द अदर हैंड इनकरेक्ट इनवॉइसिंग कुड ऑल्सो रिजल्ट इन पेनल्टीज ऑफ अप टू 25,000। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कितनी पेनल्टीज लग सकती है अगर आप इनवॉइस किसी भी अपने इनवॉइसेस के लिए जनरेट नहीं करते हैं अगर आप पर एप्लीकेबल है तो। सिर्फ अगर टर्नओवर मोर देन 50 करोड़ है तभी, अगर इससे कम है टर्नओवर तो फिर आपको इनवॉइस में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। एंड ये अभी ऑप्शनल भी नहीं है, ये अभी गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं दिया है कि ये ऑप्शनल है, 50 करोड़ से नीचे वाले भी इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी सिर्फ 50 करोड़ से अबव वालों के लिए एप्लीकेबल हुआ है, एंड उनके लिए एप्लीकेबल हुआ है इट मींस कि मैंडेटरी है तो आप लोगों को करना है। ओके, सेकंड इज हैवी पेनल्टीज तो आपको लगेंगी। उसके बाद कस्टमर रिलेशनशिप्स गेट इम्पैक्टेड। अब कस्टमर रिलेशनशिप कैसे इम्पैक्ट होगा, जीएसटी रिटर्न्स नाउ गेट ऑटो पॉपुलेटेड फ्रॉम द ई इनवॉइस सिस्टम। If you do not issue e-invoices, then your customers GSTR 2A 2B statements will not reflect the input tax credit that is due to them. जैसा कि आपको पता है कि अब हमारी जो जीएसटी की returns होती हैं वो auto populate होती हैं हमारे e-invoice system से। जैसे हम जिन invoices के लिए हम e-invoice generate करते हैं, हमारे e-invoice के portal पे जितने भी invoices होते हैं वो सब हमारे auto populate हो जाते हैं हमारे GSTR 1 में। ओके, तो हमें जीएसटीआर 1 में मैनुअली डेटा को एंटर नहीं करना होता, एंड जैसे ही हमारा इनवॉइस चढ़ता है हमारे जीएसटीआर 1 पे डेटा ऑटो पॉपुलेट होता है, एंड हमारे जो कस्टमर्स होते हैं, जो बायर्स होते हैं, उनकी जीएसटीआर 2A 2B में आईटीसी के लिए रिफ्लेक्ट हो जाता है। बट अगर आपने इनवॉइस सिस्टम नहीं किया होगा तो वो जो कस्टमर है 2A 2B स्टेटमेंट विल नॉट, उसके जो पोर्टल है वहां पर रिफ्लेक्ट नहीं होगा आईटीसी। Also, non-issuance of e-invoices could also mean that your customer may refuse to accept these invoices from you. It means कि आपका जो customers होंगे वो आपसे कोई भी invoice को, जिसके लिए आपने e-invoice नहीं generate किया होगा, उसको accept ही नहीं करेंगे। This is because the invoice without an IRN is invalid. अब without IRN, जब तक आप invoice registration number नहीं करते हैं, नहीं बनाते किसी भी invoice का, IRN number नहीं generate करते हैं,
तब तक वो इनवैलिड इनवॉइस है. इफ योर कस्टमर डज नॉट एक्सेप्ट द इनवॉइस यू विल नॉट गेट पेड फॉर द गुड्स यू हैव सप्लाइड. ओके, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है. सबसे ज्यादा मेजर इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो यही पड़ेगा कि कस्टमर रिलेशनशिप इम्पैक्ट होते हैं, तो इसलिए आपको इनवॉइस मेंटेन करना चाहिए. उसके बाद नेक्स्ट है, ठीक है, आपका जीएसटी से तो रिलेट है ये इनवॉइस, उसके साथ साथ वो ईवे बिल से भी इम्पैक्ट होगा. ईवे बिल कैन नॉट गेट जनरेटेड. अगर आप किसी भी इनवॉइस के लिए ई इनवॉइस जनरेट नहीं कर रहे हैं तो इट मीन्स कि आप ईवे बिल भी जनरेट नहीं कर सकते. एज पर द लेटेस्ट गवर्नमेंट अपडेट ऑन ईवे बिल जनरेशन यू विल नॉट बी अलाउड टू जनरेट ईवे बिल विदाउट एन IRN. किसी भी इनवॉइस के लिए आप ईवे बिल नंबर तब तक जनरेट नहीं कर सकते जब तक आपके पास उसका IRN नंबर नहीं होगा. ओके, नॉन जनरेशन ऑफ ईवे बिल कुड इम्पैक्ट द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड लीड टू डिटेंशन ऑफ गुड्स अलॉन्ग द पेनल्टीज बींग लेविड. तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें भी आपको पेनल्टीज लगेंगी. तो अगर आप ईवे बिल भी जनरेट नहीं करेंगे क्योंकि ई इनवॉइस जनरेट नहीं हो रखा, तो इससे आपकी कितनी सारी चीजें इम्पैक्ट हो सकती हैं. तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने कुछ की पॉइंट्स लेकर आपको ये चीजें समझाई हैं. तो अभी भी जिन लोगों ने ई इनवॉइस में नहीं अपने मतलब ई इनवॉइस में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, और इसके लिए सबसे बेस्ट है कि अगर आपके पास कोई ERP सॉफ्टवेयर है तो आप उसके थ्रू बहुत इजीली ई इनवॉइसिंग जनरेट कर सकते हैं. आपको बहुत ज्यादा इजीली आप कर पाएंगे, इफेक्टिवली कर पाएंगे, आपका टाइम भी सेव होगा. तो आप ई इनवॉइस के लिए कोई भी ERP सॉफ्टवेयर अगर सर्च कर रहे हैं तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप क्लियर टेक्स्ट का एक बार डेमो लेकर देख सकते हैं, क्योंकि क्लियर टेक्स्ट सॉफ्टवेयर आपको हर एक तरह से ई इनवॉइस के लिए सपोर्ट करता है. तो अगर आप इसके लिए डेमो लेना चाहते हैं तो मेरी डिस्क्रिप्शन में डेमो का लिंक है, आप उस लिंक पे जाकर डेमो अपना बुक कर सकते हैं. आपको फ्री डेमो मिलेगा, आप उस डेमो में अपनी कंप्लीट जो भी बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स है, जो भी इनवॉइसेस की रिक्वायरमेंट है, वो सब आप वहां पर डेमो में अपना सॉल्व करवा सकते हैं. तो इसलिए मैंने ये सारी चीजें आपको बताई हैं. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. एंड अगर आप डेमो लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक है उस पर क्लिक करके आप अपना डेमो बुक कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.